नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। उत्तराखंड से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंडी गीतों की जानी मानी अभिनेत्री गीता उनियाल का निधन हो गया है। गीता उनियाल का निधन उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। जानकारी के अनुसार गीता उनियाल पिछले कुछ समय से ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। उन्हें 2020 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, लेकिन एक बार सफल सर्जरी होने के बाद दोबारा वो कैंसर से ग्रसित हो गई। गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने काम के प्रति अपने लगाव को कभी कम नहीं किया। पिछले साल जय मां धारी देवी में भी उन्होंने शानदार अभिनय किया और इस फिल्म में उनके काम को देखकर कभी नहीं लगा कि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। गीता उनियाल का उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल का सफर रहा है। इस दौरान उन्होंने मेरू गांव, कन्यादान, खैरी का दिन, जय मां धारी देवी समेत करीब 15 उत्तराखंडी फीचर फिल्मों और 300 गढ़वाली म्यूजिक एल्बम में काम किया। पिछले साल उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तब ना तो इतनी ज्यादा सुविधाएं थी और ना ही अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बड़े संघर्षों में उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन हमारे आने वाले युवा इस बात को समझे कि उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में अब उनको ज्यादा मौके मिल रहे हैं। इसके साथ ही अब युवाओं के पास उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने का और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको पहचान दिलाने का एक सुनहरा मौका भी है। तो वहीं उनके निधन के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छाई हुई है। अभी के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।